चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वफ़ की सदर मुमलिकत से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट समाअत के हवाले से मुशावरत, अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत से वन ऑन वन मुलाकात भी की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वफ़ की सदर मुमलिकत से मुलाकात, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चारों मेंबरान और डीजी लॉ शामिल हैं। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट समाअत के हवाले से मुशावरत की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत से वन ऑन वन मुलाकात भी की है। अहम मुलाकात इस वक्त जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वफ़ की सदर मुमलिकत से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट समाअत के हवाले से मुशावरत भी की जा रही है। इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत से वन ऑन वन मुलाकात भी की है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चारों मेंबरान और डीजी लॉ भी इस मुलाकात में शामिल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वफ़ की सदर मुमलिकत से अहम तरीन मुलाकात इस वक्त जारी है। इस मुलाकात में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चारों मेंबरान और डीजी लॉ भी शामिल हैं। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट समाअत के हवाले से मुशावरत भी की जा रही है। अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत से वन ऑन वन मुलाकात भी की है। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, इस मुलाकात का अहवाल बताएगा। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सदर मुमलिकत और अटॉर्नी जनरल जो है वो इस अहम तरीन मुलाकात में जो है वो शरीक हैं और तकरीबन एक घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है इस मुलाकात को। और मुलाकात में जो आज सुप्रीम कोर्ट के जो समाअत हुई है और उसमें जो ऑर्डर दिए गए हैं इलेक्शन की जो तारीख के हवाले से जो मशावरत का हुक्म दिया गया है, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। जो इसमें लीगल जो पॉइंट्स हैं, इलेक्शन शेड्यूल और जो इसमें स्पेशली तौर पर जो हल्का बंदियों के जो मामलात हैं, वो तमाम तर जो चीज़ें वो रखी जा रही हैं। गो के बहुत ही अहम तरीन मुलाकात जो है वो इस वक्त जारी है और जो इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत जो दोनों का जो ऑफिस है वो अब किस तारीख पर मुत्तफिक होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं सामने। और जो कानून साजी हुई थी उसके बाद की जो पेशरफ्त हुई थी और जो सदर मुमलिकत ने जो पहले जो इलेक्शन की जो तजवीज़ दी थी तारीख की, वो तमाम तर मामलात और जो लॉ मिनिस्ट्री की जो इनपुट इस पर मांगी गई थी, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो रखी जा रही हैं और इस पर तफसीली तौर पर जो है ब्रीफिंग दी जा रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद ये मुलाकात जो है वो ख़त्म होगी और इतफाक़ किया जाएगा किसी एक तारीख पर। मशावरत हो रही है और उसके बाद जो है इसका बाज़ाबता तौर पर जो है बताया भी जाएगा, लेकिन बहुत हद तक इम्कानात यही हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो समाअत होनी है उसमें जो है ये जो मशावरत है इसका जो है फैसला रखा जाएगा और मशावरत का जो अमल है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, सदर मुमलिकत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल के दरमियान ये मुलाकात एक घंटे से जारी है। बहुत शुक्रिया वैस कियानी आपका।